Hello everyone, a very warm welcome to Baidu's exam prep and a very very warm welcome to our session. So आज के session में हम करने वाले हैं national movement की most important previous year question. And with this we are going to end the month and start a new month with new series, new questions and new topics. तो इस महीने को खत्म करते हैं with a bang on session on the national movement most important previous year questions revision. तो जल्दी जल्दी से ज्वाइनिंग कर लीजिए एंड देन लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो ऑल दोस पीपल जो आज पहली बार हमारे साथ सेशन में जुड़े हैं, आपके लिए कुछ बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं. सबसे पहले 9650052904 ये हमारा कोर्स रिलेटेड नंबर है. तो आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दी कोर्स या कुछ भी आपको पूछना है, आप इस नंबर पे हमेशा कॉल कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बायजूस एग्जाम प्रेप. तो अगर आप अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं है, प्लीज मेक श्योर यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम चैनल जहाँ पे पेपर वन और पेपर टू के मल्टीपल अपडेट्स, मल्टीपल सेशंस आपको स्पेसिफिकली मिलेंगे. उसके अलावा Do not forget to attend the app sessions जो कि होते हैं मंडे एंड ट्यूजडे को, और YouTube sessions में मुझसे मिलना 3 बजे on every Thursday and Friday. At the same time जो आज पहली बार आए हैं session में, do not forget to like, share and subscribe our channel. सब्सक्राइब करेंगे तो ही जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको दिखेंगे. सो प्लीज मेक श्योर यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अब चलते हैं कुछ क्विक रिमाइंडर्स पे. ये नंबर फ्लैश में इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि कोर्स रिलेटेड नंबर कौन सी है. तो प्लीज इस नंबर को सेव कर लीजिए 9650052904. सो सेव दिस नंबर एंड एनी क्वेरीज यू हैव रिगार्डिंग द कोर्स और एनी अदर असिस्टेंस जो आपको स्पेसिफिकली चाहिए, प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर. ठीक है, उसके अलावा सो दिस इज द लाइव इंटरैक्टिव मेगा वर्कशॉप जहां पे स्पेसिफिकली गुलशन मैम आपको ये बताएंगी कि आप यूजीसी नेट 2024 को कैसे नेल कर सकते हैं. सो जब आपको एग्जामिनेशन दे रहे हैं और अगर सपोज ये आपका पहला अटेम्प्ट है, सो व्हाट आर द फंडामेंटल्स, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए यू नीड टू नो द फंडामेंटल्स एंड द बेसिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन. तो क्या फंडामेंटल्स है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो, ये सारी चीजों का डिस्कशन होगा इस वर्कशॉप में. तो जल्दी जल्दी से रजिस्टर कर लीजिएगा एंड डू नॉट forget to attend it at 6 p.m. in the evening. इसके अलावा लास्ट क्लास जो कि हमारा हुआ था लास्ट फ्राइडे, तो मैंने आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था जहां पे मैंने आपसे पूछा था दसाला सिस्टम के अंदर कौन सी लैंड है विच इज लेफ्ट फैलो फॉर 3 to 4 years, और मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर आपको मुझे देना है हमारे कमेंट सेक्शन में. सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, आप देखते हैं कि कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है. एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, दीज आर आवर स्टार स्टूडेंट्स एंड काफी लोगों ने इसका जवाब दिया है. सो फर्स्टली वेरी वेरी गुड. सो देखते हैं हमारे उस सेशन के कौन से स्टार वॉरियर्स हैं. सो स्टार वॉरियर्स आर सुष्मिता, देन वी हैव माधवी, देन वी हैव सदफ, नेहा, मृदुला. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव भक्ति, देन वी हैव नमिता, देन वी हैव आर आर के वर्ल्ड, अर्जुन, मोमना, देन वी हैव राजकुमारी, देन वी हैव रवीरा, मतांगिनी, वर्षा, सौम्या, देन वी हैव यूजर, अर्जुन और रंजना. ठीक है, सो वेरी वेरी गुड. सो दीज आर आवर स्टार वॉरियर्स. तो आज भी होगा हमारा कमेंट होमवर्क सेशन, प्लीज होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा ताकि कल हम क्लास शुरू करने के पहले एक बार देखिए कि कितने लोगों ने इसका आंसर दिया है. ठीक है, तो प्लीज इसको गो थ्रू कर लीजिएगा एंड प्लीज कीप राइटिंग योर आंसर्स. अब शुरू होने वाला है सेप्टेम्बर का महीना. सो सेप्टेम्बर का महीना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल सेंस में एग्जामिनेशन का जो 3 मंथ काउंटडाउन है वो शुरू हो जाएगा, विच इज सेप्टेम्बर, अक्टूबर एंड मोस्ट प्रोबेबली सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर. दिसंबर में तो एग्जाम ही है तो दिसंबर को काउंट नहीं करके सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 हमारे स्पेसिफिकली मंथ्स हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हैं. तो इस मंथ्स में आपके लिए नया ऐप और यूट्यूब का सीरीज आया. तो बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप में जो 11 बजे हमारे सेशन होते हैं उसमें हम स्पेसिफिकली करने वाले हैं 4th सितंबर मंडे को हम करने वाले हैं प्री हिस्ट्री, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक एज पे क्वेश्चन सेशन. 5th ट्यूसडे हम करने वाले हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म पे क्वेश्चन सेशन. 11th मंडे हम करने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन सेशन. ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस काफी बार छूटा रह जाता है क्योंकि हम मॉडर्न इंडिया में इतना टाइम लगा देते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हम भूल जाते हैं करना और वी जस्ट डू लाइक 2-3 टॉपिक्स. तो हम इसके क्वेश्चन सेशन करेंगे 12th को, विच इज ट्यूजडे, हम करने वाले आर्ट एंड आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
18th को हम करने वाले हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड ये हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज हो गया जो भी हमारे मॉडर्न इंडिया के हो गए, ये एंशियंट के हो गए, ये मिडीवल के हो गए, एनी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी जिनका काफी मेजर योगदान और काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज से आजकल 5 लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गए, तो हम उस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में एवरी ईयर रिसेंटली आप देख रहे हो कि हर हिस्टोरिकल पर्सनालिटी पे 5 लाइन क्वेश्चन हैव बिकम वेरी कॉमन। फिर 19 ट्यूसडे को हम करेंगे स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। ये स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग में हम मिडिवल पेंटिंग्स भी करेंगे, हम मॉडर्न पेंटिंग्स भी करेंगे, तो क्योंकि आजकल आप देख रहे हो मॉडर्न इंडिया के सोर्सेस से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पेंटिंग्स वुड बी एवरीथिंग। या हम इसमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो जब हम पेंटिंग्स कह रहे हैं तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो विल डू एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, सारे में जो भी पेंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस है, ऑल ओवर, नॉट रिस्ट्रिक्टिंग टू एंशियंट और मॉडर्न, ठीक है। 25th, by the time जब हम इतना तक पहुंचेंगे, क्योंकि आप simultaneously YouTube कर रहे होंगे, तो आपका बहुत सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम सोर्सेस पे करेंगे, और यहाँ पे सोर्सेस पे हम लिटरेरी सोर्स पे भी क्वेश्चन करेंगे, आर्कियोलॉजिकल पे भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एंड देन 26th को हम एक बार नेशनल मूवमेंट को रिवाइज कर लेंगे। सो बाय दिस टाइम क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टिडबिट टॉपिक्स विल बी गेट कवर्ड। तो ये सेशंस होंगे 11 बजे ऑन दी ऐप, तो प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सेव कर लीजिए, सो दैट जिस दिन ये सेशन हो उस दिन आप इसको जरूर अटेंड करें। नाउ कमिंग टू यूट्यूब, तो कल का हमारा जो सेशन है, इट इज फॉर दोज पीपल, क्योंकि काफी लोगों को ये हो रहा था कि काफी बार आप 100% नेट की तैयारी करते हो, बट फिर भी कुछ चीजें मिस हो जा रही है, नहीं सिलेक्शन हो रहा है। सो व्हाई इज दैट, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस। तो कल हम उस पर एक जनरल सेशन करेंगे, एक मोटिवेशनल सेशन है ये, क्योंकि समहाउ मोटिवेशन काफी ज्यादा डाउन हो रहा है। जितने मुझे टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, उन सब मैसेजेस में एक ही चीज लिख रहती है कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, कैसे शुरू करना है, क्या करना है, पहले भी कर चुके हैं बट हुआ नहीं है। So this will be a one booster session, क्योंकि महीने की शुरुआत कर रहे हैं, तो महीने की शुरुआत हम करेंगे पॉजिटिविटी और गुड वाइब्स के साथ, जहां पे आपको अपने पोटेंशियल याद रखने हैं। So we are going to have this motivational session tomorrow. Thursday को 7th हम करने वाले हैं बोधिसत्वास के बारे में क्लास, दैट इज हम क्लास प्लस क्वेश्चन सेशन करेंगे इसमें, ठीक है। फ्राइडे को वी विल डू वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द नेशनल मूवमेंट। थर्सडे को हम करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस ऑफ एंशियंट इंडिया। फ्राइडे 15th को हम करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर। 21st थर्सडे हम करेंगे वैदिक एज एंड उपनिषद पे क्वेश्चन सेशन। एंड 22nd फ्राइडे को हम करेंगे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया पे क्वेश्चन सेशन। अभी इसमें और सेशन ऐड होंगे जो मैं इवेंचुअली ऐड करूंगी और मैं आपको बताऊंगी। सो जस्ट बी अपडेट विद ऑल द ऐप एंड जितने भी यूट्यूब सेशंस हो रहे हैं अब सितंबर के महीने से, प्लीज बी अप टू डेट विद ऑल ऑफ इट, सो दैट कुछ भी ना मिस हो और हर कुछ का ट्रैक रखे। तो ये सेशंस को याद रखना, बीच में आई विल ऐड मोर जो मैं आपको बताऊंगी। ये हमारे यूट्यूब के सेशंस हो गए जो होंगे 3 बजे एवरी थर्सडेज एंड फ्राइडेज, ठीक है। चलिए, सो दिस इज tomorrow's सेशन। tomorrow's सेशन इज अबाउट अ मोटिवेशन जो काफी लोगों को जरूरत है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि why are you failing even when every year you are giving the exams और आप काफी बार अटेम्प्ट दे रहे हो, तो दिक्कत क्या हो रही है। इस चीज को कल डिस्कस करेंगे 3 PM tomorrow, so do not forget to attend the session। अब चलिए, ये सारे अपडेट्स के बाद अब चलते हैं क्विक नेशनल मूवमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली रिपीटेड ट्रेंड्स इन द पेपर, आंसर्स तो आप सबको वैसे भी याद होगा, तो एक क्विक रन थ्रू रिवीजन करते हैं ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेशली नेशनल मूवमेंट बिफोर वी मूव टू द न्यू मंथ एंड न्यू टाइम टेबल। चलिए, सो अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट, हाउस ऑफ कॉमन का रेजोल्यूशन अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, सन्यासी एंड फकीर बैन इनकर्शन, Clive succeeded by Hari Willis, or basically Bengal ka famine. So which of the following here is correct? Arrange the following in a chronological order. ये आप सबको पता है, जो पहली बार नेट दे रहे हैं, पहली बार हिस्ट्री दे रहे हैं, आपको पता है क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, एंड मैक्सिमम ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम मॉडर्न इंडिया। अब तो मिडीवल और एंशियंट में भी आने लगे, बट मैक्सिमम ऑफ दिस इज कमिंग इन मॉडर्न इंडिया। तो जब भी आप पढ़े, प्लीज एक टाइमलाइन चार्ट अपने लिए जरूर बना ले, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज एक रन थ्रू रिविजन किया जाए एंड लेट्स स्टार्ट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी। आई होप कि आपने अच्छे से ये सारे प्रीवियस ईयर्स कर लिया है, हमने इसको बहुत बार ऐप और यूट्यूब पे पहले भी किया है, तो आज एक रन थ्रू रिविजन हो जाए। सो क्लाइव वॉज सक्सीडेड बाय हरि वल्लभ 1767, बंगाल फेमिन हुआ था 1769 टू 1770 के टाइम पीरियड में,
सन्यासी फकीर रिबेलियन हो गया 1770 टू 1800, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड ये एस्टैब्लिश हुआ था 26 मार्च 1774 और हाउस ऑफ कॉमन्स ने वॉरेन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन है वो मूव किया था 1782 के टाइम पीरियड में, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ, अब आप एक चीज देखो, नेशनल मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पे ऐसे इवेंट्स हैं जो पहले भी हैं, तो कई बार क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में क्लब भी करके नेशनल मूवमेंट को देते हैं, जो लोग आगे देखेंगे। नंबर टू, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान, एटलीज अनाउंसमेंट, क्रिप्स प्रपोजल, वेवल प्लान एंड माउंटबेटन प्लान, तो इनमें से कौन सी हमारी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है? कैबिनेट मिशन, एटलीज अनाउंसमेंट, क्रिप्स प्रपोजल, वेवल प्लान एंड माउंटबेटन प्लान। चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट, एक हमने पूरी की पूरी सेशन भी क्रोनोलॉजी पे की है, तो जिनको सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व करने, आप हमारा यूट्यूब पे एक सेशन देख लीजिएगा जहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन पे ध्यान दिया है, ठीक है। चलो, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, करेक्ट आंसर भी, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो क्रिप्स प्रपोजल हो गया हमारा मार्च 1942, वेवल प्लान 1945, कैबिनेट मिशन प्रपोजल हो गया 1946, क्लेमेंट एटलीज अनाउंसमेंट 20 फरवरी 1947 एंड माउंटबेटन का प्लान 3 जून 1947। सो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान्स, अब इसी में आपको आ जाएगा डोमिनियन स्टेटस कब एक्सेप्ट हुआ, किसने क्या अनाउंसमेंट किया था, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाएगा रादर देन क्रोनोलॉजी, ये आपको एक एक लाइन ऐसा स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं क्योंकि आजकल पेपर का वो नया नॉर्म बनते जा रहा है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, प्री आईएनसी एसोसिएशन से आपको हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्री आईएनसी एसोसिएशन बहुत अच्छे से याद रखना है, उनके ईयर्स हो गए, जो लोग एसोसिएटेड हो गए, जो इनके स्पेसिफिकली फाउंडर्स हो गए, ठीक है, इनका बहुत अच्छे से आपको ये सब कुछ लर्न करना है, प्लस जो एसोसिएशन बने इनका गोल्स क्या, इनका एजेंडा क्या, क्यों बने ये सारे एसोसिएशन, ठीक है। सो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जिसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका पहला सेशन हुआ था कैलकटा में, मद्रास महाजन सभा फाउंडेड एट मद्रास एंड गिलबर्ट बिल का पूरा कॉन्ट्रोवर्सी, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू राइट, द करेक्ट आंसर हियर इज डी। सो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और सारी एसोसिएशन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, स्पेशली नेट के अलावा ये सेट में भी आता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है, आप टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स देते हैं, हर जगह ये टॉपिक डोमिनेट करता है। सो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन हुआ था कैलकटा में December 1883, इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी, द बिल वॉज इंट्रोड्यूस 1883 एंड इनैक्ट हुआ था 1884 जनवरी, मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी मद्रास में May 1884, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज फॉर्मड इन 1885 एंड इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी बॉम्बे में 1887, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर द इयर्स फॉर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो। मूविंग टू द नेक्स्ट, इनमें से किसी, ये जो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको आ रहा है ना, यही हम अपने ऐप सेशन में करेंगे, तो जो ऐप सेशन में पूरा का पूरा मैंने सेशन दिया है ना हिस्टोरिकल पर्सनालिटी पे, उसमें हम लोग यही करेंगे, नॉट जस्ट मॉडर्न बट एंशियंट हो गया, मिडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, पोस्ट मॉडर्न हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो गए उनसे रिलेटेड 5 लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चंस। तो जिस दिन हम उस सेशन को करेंगे आप उस सेशन को जरूर अटेंड करिएगा, ताकि ये सारे क्वेश्चंस में धीरे धीरे आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग हो और आप एलिमिनेशन सीखो, ठीक है। वीडी सावरकर ग्रेजुएटेड फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज, ही अवेल कृष्ण वर्मास फेलोशिप, वीडी सावरकर एस्टैब्लिश मित्र मेला एट नासिक, ही रोड द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ इंडिया हाउस। अब इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन करना है, बिकॉज देर इज अ वेरी हाई चांस कि अगर 5 लाइन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि उसमें से आपको 2-3 ही आए, बट अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो एलिमिनेशन करके हम स्ट्रेट अवे आंसर तक पहुंच जाएंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, द करेक्ट आंसर हियर इज सी, सारे स्टेटमेंट ही सही है, बट जनरली अगर आप एलिमिनेशन भी करो तो जनरली सपोज फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारा गेम चेंजिंग स्टेटमेंट है, अगर आपको ये पता है कि भाई ई तो होगा ही होगा, जनरली वेरी इंपॉर्टेंटली यू विल सी हम यहाँ से 2 को एलिमिनेट कर चुके हैं। सेम वे अगर आप देखोगे यहाँ पे डी तो हो गई होगा, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई होगा, क्या यहाँ पे डी है, नहीं, क्या यहाँ पे डी है, हाँ, तो जनरली बाय स्मार्ट एलिमिनेशन ऑल्सो आंसर्स तक पहुंच जाएंगे। तो इसका प्रैक्टिस सेशन होगा ऐप पे, इसको प्लीज अटेंड कर लीजिएगा जिस दिन भी हम लोग ये सेशन करेंगे, ठीक है। देन
मूविंग टू नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग अगेन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब आप देखो इसमें इन्होंने जनरली पेजेंट ट्राइबल मूवमेंट्स भी दिया है, प्लस इन्होंने बेसिक इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट के इवेंट्स भी दिया है, प्लस इन्होंने इसी में रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी मिक्स कर दिया है. तो आप ये नहीं बोल सकते कि जनरली ब्रिटिश एक्सपेंशन अलग आएगा, ये अलग आएगा. इस दिस क्वेश्चन में आपने देखो सारा कुछ मिक्स है. कुका मूवमेंट इन पंजाब, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी डिस्क्वालिफाइड फॉर द आईसीएस, पूर्ण सार्वजनिक सभा, then you have Indian League and then you have Swami Dayanand Saraswati lead the formation of RS Samaj. So this is independence movement also, plus जब आप British expansion पढ़ते हो, आप religious reform भी इसमें mix है, plus peasant tribal revolts भी mix है. So which is correct? चल, so आकृति सौम्य अर्पिता, ये last revision हम कर रहे हैं. हर month of national movement एक बार revise करते हैं, this is it. But जब next class of September में हम शुरू करेंगे with fresh topics, please be a part of it. और September में हम थोड़ा questions को थोड़ा high scale पे करेंगे, I will increase the level of questions. तो जो भी आपने basics हमने अभी तक YouTube app पे किया, उसके साथ इन sessions को आप add कर लीजिएगा, ठीक है? चलो, प्रिंसी चित्रंजन, इनाया, दिगंबर, कृति, सौम्या, ओके, आयशा, परफेक्ट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, बिल्कुल सही है. पूना सार्वजनिक सभा 1870, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी स्पेसिफिकली गेव हिज एग्जाम्स इन 1871 बट डिसमिस्ड इन 1874. कुका मूवमेंट के बहुत सारे डेट्स हैं, ऑफिशियली जो स्टार्टिंग डेट है इट इज 1872. स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का फाउंडेशन रखा था 1875 एंड इंडियन लीग एट कैलकटा की स्थापना हुई थी 1875. जो भी ऐसे इवेंट्स होंगे जो ऑलमोस्ट सेम ईयर्स में हो रहा है, जो इंटर रिलेटेड इवेंट्स होंगे, उसके मंथ्स याद कर लीजिएगा. स्पेसिफिकली आप देखोगे 1929 वाला ईयर हो गया, 1930 वाला ईयर हो गया, कुछ ऐसे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जहां पे मल्टीपल चीजें हो रही है, जैसे आप 1875 देख लो, ठीक है? सो फॉर सम जहां पे ओवरलैपिंग ईयर्स हैं उनके आप मंथ्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में काफी बार ऐसा क्रोनोलॉजी आया है. नेशनल मूवमेंट तो चलो आप लॉजिक लगा के कर लोगे, बट बाकी सब में यू हैव टू, ठीक है? चलिए, ये जो हमारा एच आर ए से नेम चेंज हो गया एच एस आर ए तक, ये नेम चेंज कहाँ पे हुआ है? वेयर वॉज द नेम ऑफ एच आर ए चेंज टू एच एस आर ए? तो ये तो बहुत इजी वन लाइनर क्वेश्चन है. सो वी हैव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एच आर ए जो कि हुआ था 1924, फिर ये बन जाता है एच एस आर ए जो कि हुआ था 1928 में, और ये एस रिप्रेजेंट करता है सोशलिज्म, है ना? और कहाँ पे हुआ था ये? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, विच इज फिरोज शाह कोटला ग्राम दिल्ली. तो रेवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी गतिविधियों पे काफी बार क्वेश्चंस आता है. आई वुड सजेस्ट कि ये कैसा ही रहे जिसका आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है? जो भी ईयर या एक्टिविटीज हुए, जो भी लोग इनके साथ एसोसिएटेड है, किस ब्रिटिश ऑफिसर को इन्होंने टारगेट किया है, आप इस तरीके से इसके नोट्स बना सकते हो. थ्री फेजेस ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी आपने पढ़ा होगा, एक स्वदेशी मूवमेंट के बाद वाला फेज 1907 वाला टाइम जहाँ पे सीक्रेट सोसाइटीज एक्टिव होते हैं, देन सेकेंड फेज अप्रोक्सीमेट 1924 से 1930 के टाइम पीरियड में हो गया जहाँ पे एच आर ए बना, चित्तगोंग आर्मरी हुई, सॉन्डर्स का मर्डर हुआ, ये सारी चीज हुई. देन जब आप सोशलिज्म और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स पढ़ते हो तो वहां पे भी आप मेरठ कॉन्स्पिरसी केस पढ़ोगे, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरसी केस पढ़ोगे. तो ये सबको मिला के आई वुड सजेस्ट कि आप एक नोट्स बना लो. इससे क्या होगा कि डेट्स और लोगों के नाम पे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन भी आते हैं, तो एनी डे आपको ये पार्ट बहुत अच्छी तरीके से फायदा देगा. चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सी अगेन, सो वी हैव ट्रेड यूनियन एक्ट, देन वी हैव काकोरी ट्रेन रॉबरी, जलियांवाला बाग मैसेकर, देन वी हैव स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन एंड हंटर कमिटी का रिपोर्ट. तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी का, बट ये क्वेश्चन वैसे काफी ईजी है. अगर आपको नहीं भी पता है कुछ के ईयर्स तो आप इनमें एलिमिनेशन कर सकते हैं. सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर, कैन बी एलिमिनेट, लेट्स सी. तो ये एक्चुअली सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली सबसे इजी क्वेश्चन है विदाउट फेल. करेक्ट आंसर योर इज बी, वी विल नो जनरली कि भाई जलियांवाला बाग मैसेकर सबसे पहले हुआ था 1919 के टाइम पीरियड में, फिर 1920 में हंटर कमिटी अपना रिपोर्ट सबमिट करती है ना, फिर फाइनली कॉन्ट्रोवर्सी होती है कि नॉन कोऑपरेशन के बाद जब चौरी चौरा हो गया तो अब क्या करना है. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं स्वराजिस्ट एंड नो चेंजेस, कि कंस्ट्रक्टिव काम करना है, कि हम स्पेसिफिकली काउंसिल्स एंट्री में जाए, है ना. एंड फाइनली कांग्रेस रेजोल्यूशन पास करती है कि हम कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे इन द पैसिव स्टेज ऑफ द मूवमेंट, हेंस रिजाइन होता है एंड स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है. तो ये हो गया. फिर उसके बाद आ जाओ बाद में काकोरी ट्रेन रॉबरी हो गया 1925 एंड देन ट्रेड यूनियन. तो मान लो अगर आपको ट्रेड यूनियन नहीं भी पता था, ये चार बहुत सिंपल हैं जो आप जनरली बेसिक मॉडर्न इंडिया की क्रोनोलॉजी से आप कर सकते थे, ठीक है? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट. इनमें से बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है?
Bombay Plan took up the question of rapid economic growth. Bombay Plan में specifically equitable distribution के question को basically इसके बारे में deal किया है. इन्होंने specifically partial nationalisation के बारे में argue किया है. इस plan ने बहुत सारे workers welfare schemes के favour में argue किया है. And इस plan ने specifically बोला है कि public sector को oppose करना चाहिए. So which of the following here is correct? So which is correct about the Bombay Plan? ओके सो द करेक्ट आंसर हियर इज द ये रॉन्ग है क्योंकि इन्होंने अपोज नहीं किया था, रादर ये कह रहे थे कि ये होना चाहिए. सो बॉम्बे प्लान हमारी इकोनॉमिक प्लान था जो कि डिवाइज हुआ था 1944 में बाय लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टेक्नोक्रेट. अब ये प्लान था क्या? दिस वाज अ प्लान जहां पे स्पेसिफिकली बोला गया कि भाई अगर हम इस प्लान को फॉलो करते हैं तो बेसिक गोल इसका क्या था कि जो एग्रेरियन सेक्टर हमारा है वो डबल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एंड फाइव फोल्ड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. Doubling of agrarian sector and then five-fold development in industrial sector. तो ये basically economic development का plan था जो support करता था state economic interruption and planning कि भाई state को planning करनी चाहिए. ये plan उसको support करता था जो कि जो options है उसमें opposite लिखा हुआ है. इस plan ने specifically बोला कि government का बहुत important role होना चाहिए. इस plan ने ये बोला है कि agriculture से एक industrialization में proper transformation होना चाहिए. इंडस्ट्रीज बनने चाहिए स्पेसिफिकली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे जीआरडी टाटा हो गए, जीडी बिरला हो गए, ये सारे इस प्लान के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है, तो ये प्लान का मेजर विजन ही ये था कि जो गवर्नमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने में या उस सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को बढ़ाने में. ठीक है, देन अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. इनमें से कौन है जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में अकॉम्पनी नहीं किया था? सो वी हैव बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी एंड एनी बेसेंट. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. एवरी ईयर महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे आपको हमेशा क्वेश्चन आता है. या तो इनसे रिलेटेड कोई थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगी या इनसे रिलेटेड क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आ जाएगा या वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा. तो एवरी टाइम दे आर इन द पेपर. और हमने ट्यूजडे को ऐप पे बुक्स जर्नल्स का सेशन किया था 11 बजे. तो जिसने ये सेशन नहीं देखा है प्लीज उसमें देख लीजिए. हमने बेसिक बुक्स को कवर किया है, अप्रोक्सीमेट 75 प्लस बुक्स हमने कवर किया है उस सेशन में. और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड 9 मेजर बुक्स को भी हमने कवर किया है. तो उसका नोट्स बना लीजिएगा. ठीक है, चलो. सो एनी बेसेंट वॉज नॉट देयर, वी ऑल नो. ये तो बहुत ही ईजी और बहुत ही बचकाना सा क्वेश्चन था, आपको अक्टूबर अटेम्प्ट में आया था. सो फाइनली ब्रिज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, मजहरुल हक, ये सारे लोगों ने सत्याग्रह में इनके साथ पार्टिसिपेट किया था. एंड राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिसने गांधी जी को पर्सुएट किया था. ठीक है, नंबर 10, शिमला कॉन्फ्रेंस, म्यूटनी ऑफ नेवल रेटिंग्स, कैबिनेट मिशन, इलेक्शन फॉर कॉन्सिक्वेंट असेंबली. ये भी क्वेश्चन ईजी है, लेटेस्ट क्वेश्चन है. इनफैक्ट जो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब अक्टूबर फरवरी का ही क्वेश्चन है, वेरी लेटेस्ट क्वेश्चंस. अब रादर देन गिविंग यू क्रोनोलॉजी इन्होंने आपको मैच करने को बोल दिया. तो शिमला कॉन्फ्रेंस, देन वी हैव म्यूटिनी ऑफ नेवल रेटिंग्स, कैबिनेट मिशन एंड कॉन्सिक्वेंट असेंबली का इलेक्शन. चलो, सो इसमें भी आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, लेट अस सी. सिर्फ ए से नहीं होगा, आपको थोड़ा आगे और बढ़ना पड़ेगा. बट अगर देखो 1946 में दो इवेंट्स हैं, बट अगर आपको पता है बेसिक मॉडर्न इंडिया की स्टोरी तो अगर आपको ये नहीं भी पता एग्जैक्टली कि सेम ईयर में कब क्या हो रहा है, यू वुड नो कैबिनेट मिशन पहले आया था कि नहीं, इलेक्शंस पहले हुआ था कि नहीं. बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आप इस क्वेश्चन को जनरली सॉल्व कर सकते थे, इजी क्वेश्चन है ना. सो शिमला कॉन्फ्रेंस हो गया 1945 जून, इससे एलिमिनेशन नहीं होता. देन नेवल रेटिंग्स हो गए फरवरी 1946, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैबिनेट मिशन प्लान हमारा आता है एंड देन उसके बाद हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होता है. चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट अबाउट INA? अ क्वेश्चन जो हर साल रिपीट हो रहा है, हर साल ट्रेंड कर रहा है. द क्रेडिट ऑफ INA गोज टू राजबिहारी बोस. कैप्टन मोहन सिंह ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के. सुभाष चंद्र बोस ने रीऑर्गेनाइज किया स्पेसिफिकली INA को. सुभाष चंद्र बोस ने सेटअप किया आजाद हिंद गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली INA सोल्जर्स को कैप्चर किया कि भाई आप गवर्नमेंट के खिलाफ एक जंग छेड़ रहे हो. सो विच इज करेक्ट. अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, कभी वो क्या करेंगे यही सेम लाइन में आपको क्रोनोलॉजी दे देंगे. तो INA पिछले 2-3 साल से हमेशा आ रहा है.
परफेक्ट, सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। बेसिक आईएनई की कहानी दी गई है, अब आपको इसकी जगह क्रोनोलॉजी दे दिया जाएगा। आईएनई इज समथिंग जो हमेशा रिपीट होता है, तो पढ़ते वक्त आईएनई हो गया, आरआईएन म्यूटनी हो गया, ये सबको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि काफी कॉमन है। तेभागा मूवमेंट हो गया, ये सब काफी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो अगेन प्रीएनसी एसोसिएशंस और फिर इनको अरेंज करना। So we have Mahajan, we have very important Mahajan Sabha of Madras, Madras Mahajan Sabha. Then we have Rajahmundry Social Reform Association, Allahabad People Association, Indian Association of Lahore and Purna Sarvajanik Sabha. So इनमें से कौन से associations हैं chronologically start करना है from the earliest. नेक्स्ट वो क्या करेंगे, इनके साथ आपको ईयर दे देंगे एंड दे विल टेल यू टू मैच इट। तो आईएनसी प्री आईएनसी तो आप एनी डे बहुत अच्छे से लर्न करके जाइएगा, ओके। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी पुणे सार्वजनिक सभा हो गया 1870, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉर 1876, अलाहाबाद पीपल एसोसिएशन 1876 जो बाद में इंडियन एसोसिएशन बना, राजमुंड्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 एंड मद्रास महाजन सभा हो गया 1884, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कौन से फीचर्स हैं? ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। 1935 एक्ट और 1919 एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन द पेपर। सो ऑल इंडिया फेडरेशन, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना सेफगार्ड्स के साथ, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देना कम्युनल और अदर ग्रुप्स के, फेडरल कोर्ट का प्रोविजन या प्रांतीय इकोनॉमी का प्रोविजन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट, जब हम 1935 एक्ट की बात करते हैं। This is also a very easy question again. Generally, आप इसमें elimination कैसे कर सकते थे? एक तो आपको पता होगा 1935 Act is the Act जो All India Federation के बारे में बात करता है। But अगर मान लो ये सारे नहीं आते हैं, वैसे तो ये question काफी easy है, सबसे latest question है ये। तो generally अगर आप elimination भी करना चाहें, आपको पता है कि भाई provision for provincial autonomy, क्योंकि 1919 जब act आई थी तो ये act hierarchy लेके आई थी प्रांतों में, provinces में, ठीक है। और जो 1935 का act आता है वो इसी hierarchy को प्रांत से हटाता है और इनको autonomy दे देता है generally। तो यू शुड नो कि ई तो एनी डे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 1919 और 1935 एक्ट इस दोनों चीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू नो कि भाई ये जो डायरार्की का ऑप्शन है ये प्रांत में पहले आया था 1919, 1935 इसको हटाती है और कहती है कि भाई हम सेंटर में लेके आएंगे, प्रांतों को पूरा का पूरा ऑटोनॉमी दे दो, सब कुछ दे दो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दे दो, बट अगर आप पैसे वैसे बोरो कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी, वो आपकी सिक्योरिटी है। तो इवन इफ यू नो कि ई रहेगा ये सिर्फ यहीं पे और कहीं भी ई ऑप्शन नहीं है, तो बाय बेसिक एलिमिनेशन आल्सो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते थे, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर 14, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसकी स्थापना हुई थी 31 अगस्त 1920, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सो लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल, देन वी हैव जोसेफ बैप्टिस्टा या एन एम जोशी, विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? चलो, सो द करेक्ट आंसर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हियर इज ए लाला लाजपत राय। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से सिख पेट्रियट है हु वाज टाइड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट 1940 में फॉर द मर्डर ऑफ माइकल ओडायर एंड जो जो इन्वॉल्व थे जलियांवाला बाग मैसेकर में? सो हनमंत सिंह, देन वी हैव बाबा संता सिंह, सरदार उद्धम सिंह और हम बात करें मनजीत सिंह की। This is easy. अब आप देखो revolutionary activities generally कितने अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। So chronology भी हो गया, one liner questions भी हो गया, statement based questions भी हो गया, ठीक है। तो ये तो बहुत easy है, correct answer here is the सरदार उद्धम सिंह। Moving to number 16, आप देखो ये rather than giving you गांधी जी के contributions, यहाँ पे specifically गांधी जी के जो concepts है सत्याग्रह पे, इस पे question आया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप रट नहीं सकते हो, ये क्वेश्चंस हमारे हो गए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर गांधी जी, सत्याग्रह एम टू पेनिट्रेट द बैरियर्स ऑफ प्रेजुडिस, इल विल, डॉग्मेटिज्म, सेल्फ राइटियसनेस, सेल्फिशनेस। गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं सत्याग्रह इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल इंपैक्ट ऑफ सफरिंग लव,
सत्याग्रह एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे आप अपने दुश्मन को ह्यूमिलिएट कर सकते हैं। गांधी जी का पॉलिटिकल रियलिज्म ट्राइप ओवर इज मॉडल आइडियलिज्म एंड डिस्पाइट इट्स क्लेम सत्याग्रह वाज नॉट ऑलवेज प्योरली स्पिरिचुअल इन नेचर। अब आपको इसमें क्या करना है, एक एक स्टेटमेंट को बहुत क्लोजली पढ़ना है और देखना है कि कौन सा एक दो ऐसा स्टेटमेंट है जिसका सेंस नहीं बन रहा है। सो लेट्स सी। तो इसीलिए जब भी आप गांधी जी पढ़ते हैं तो इनका जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट होगा कि क्या होता है सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस क्या होती है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बहुत पढ़ के समझ लेना है। फॉर एग्जाम्पल स्वराज क्या होता है, कितनी बार हम स्वराज शब्द का यूज करते हैं, तो इसका बेसिक मतलब क्या है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर। देखो इसमें पहली बात ये बोल रहा है कि भाई गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो ह्यूमिलिएशन था, आपके जो अपोनेंट हो गए उसका ह्यूमिलिएशन है। तो यहाँ पे ह्यूमिलिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करो, रादर वी आर रेडी टू अंडरगो सफरिंग, हम सफरिंग के लिए जाएंगे। इफ वी आर राइट वी हैव टू बी फियरलेस, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, वी कैन अंडरगो सफरिंग टू प्रूव दैट वी आर राइट। हमें किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना, ये हमारा अल्टीमेट टूल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर योर एब्सोल्युटली करेक्ट, मोस्ट ऑफ यू राइट। तो ये बेसिक्स को थोड़ा सा रीड कर लेना है, ठीक है, जहां जहां पे जो प्रॉब्लम होगी। तो इफ यू नो सी नहीं है, कट गया। अब बात आती है डी में, तो यहाँ पे लिखा गया इनका जो सत्याग्रह विच इज नॉट ऑलवेज स्पिरिचुअल इज नेचर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि आप जब सत्याग्रह पढ़ते हो तो सत्याग्रह हम जनरली पर्सनल प्लस बाकी एरियाज में भी अलग अलग जोन्स में हम सत्याग्रह को यूज कर सकते थे। ठीक है, तो इट वाज आल्सो अ वे टू अटेन पॉलिटिकल एंड्स, इट वाज आल्सो स्पिरिचुअल, तो इसके मल्टीपल डायमेंशंस थे, नॉट जस्ट स्पिरिचुअल। ठीक है, चलिए नंबर 17, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये तो ईजी है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको बी नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल चलो ये तो आई थिंक आपको आता ही होगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी यू ऑल नो एंड HSRA भी यू ऑल नो। तो अगर हमें बी नहीं आता है तो क्या हम फिर भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? अगेन बाय सिंपल एलिमिनेशन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। तो सबसे पहले हमारा आ गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो अभी तुरंत हमने पढ़ा है, जिसकी स्थापना हुई है 1920 के टाइम पीरियड में। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रेट अवे आ जाएगा हमारा HSRA, जो कि हो गया 1928। फिर आ गया हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 1936, और फिर आया इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस विच इज 1947। ओके, नेक्स्ट assertion and reasoning, women's contribution is very very important for the examination. हर साल women contribution पे questions आता है, चाहे वो modern India section हो, medieval हो या ancient हो। ठीक है, so you have to make sure कि आपने women contribution अच्छा किया है, specifically modern perspective में। हमने कितनी बार इन पे अपने app पे 11 बजे के sessions में किया है, but जिसका ये miss हुआ है, YouTube पे भी 3 PM के हमारे जो सेशंस होंगे उसमें हम वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन इस मंथ करेंगे, जहां पे हम थ्योरी भी करेंगे प्लस जो प्रीवियस ईयर्स आ रखे हैं वुमेन रिलेटेड, हम उसको भी करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो सेशंस अब होंगे प्लीज उनको ट्रैक करते जाइएगा, थ्योरी के साथ साथ वी विल डू क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, चलिए। So when All India's Women Conference began their support in the Child Marriage Restraint Bill, Sister Subbalakshmi ne evidence diya tha Joshi Committee ke saamne about the harmful effects of youthful marriage. Mithuben Petit jo hai social worker hai, jo leading trade unionist banti hai, jinhone organize kiya Seva Mandir to work among the poor. So which of the following here is correct? यहाँ पे जनरली जब हम सेशन करेंगे तो जिन्होंने मिस किया आप कर लेना, बट जनरली ऑर्गेनाइजेशन के नाम, उनके ईयर, कौन कौन सी महिलाएं रिलेटेड हैं, क्योंकि हमेशा फाउंडर्स का नाम नहीं आता है। ठीक है, जनरली इनका गोल क्या है, कौन सी महिलाएं हैं जो जनरली नॉन कोऑपरेशन के साथ एसोसिएटेड है, जो क्विट इंडिया के साथ एसोसिएटेड है, जो सिविल डिसोबीडियंस के साथ एसोसिएटेड है। अरुण आसफ अली पे तो वैसे भी बैक टू बैक दो बार क्वेश्चन आ चुका है अक्टूबर और फरवरी के अटेम्प्ट में। ठीक है, so these things you have to be little bit careful, और ये टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना है। तो हमारा जो रीजन है, रीजन सही नहीं है, क्योंकि जो एसोसिएशन का नाम दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली मिथुबेन पेटिट जो है वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविस्ट, जो दांडी मार्च में काफी मेजर योगदान देती है। इन्होंने आश्रम खोला था मारोली, इन मारोली स्पेसिफिकली विच वॉज कॉल्ड कस्तूरबा वनशाला और कस्तूरबा सेवाश्रम 1930 में, जहां पे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को स्पेसिफिकली सिखाया जाता था बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें।
प्लस जनरली हो गया, जैसे स्पिनिंग हो गया, कार्डिंग हो गया, वीविंग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, ये सारी चीजें महिलाएं को सिखाई जाती थी ताकि महिलाएं इंडिपेंडेंट रहे, सेल्फ सफिशिएंट रहे और किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 19। सो वी हैव इंजीनियरिंग कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, थॉम्सोनियन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया कैलकटा एंड हार्कॉर्ट बटलर इंस्टीट्यूट हो गया कानपुर। सो 1917, 1911, 1921 या 1847। अगेन जनरली ये तो हमारे नेशनल पीरियड का टाइम है, बट एडुकेशन जब आप पढ़ते हैं तो यू नो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर वन के साथ आता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो एडुकेशन जब भी आप पढ़ें मॉडर्न इंडिया का, उसको बहुत अच्छा से पढ़ें। जितने भी कमीशन हो गया, हंटर कमीशन हो गया, सर्जन कमीशन हो गया, ठीक है, थॉम्सोनियन सिस्टम हो गया, वुड्स डिस्पैच क्या है, मैकॉलिस मिनट क्या है, ओरिएंटलिस एंग्लिसिस की कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, ये सब में बहुत क्लियर रहेगा। ठीक है, प्लस बेसिक्स में किसमें सेक्युलर एजुकेशन को आगे बढ़ाया गया है, किसमें प्राइमरी एजुकेशन को फोकस किया गया है, किसमें टीचर्स ट्रेनिंग की बात हुई है, किसमें फिजिकल एजुकेशन की बात हुई है, किसमें पैसों को साइड रखा गया है फॉर प्रमोशन, जब आप पढ़ते हैं ना तो ये बेसिक्स को याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये वन लाइन ऑफ क्वेश्चन के तौर पर आता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, इसके बेसिक डेट्स को प्लीज 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 याद रख लीजिएगा फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होगा, जनरली ऐसे छोड़ के आपको ये क्रोनोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया 1911, थॉमसन एंड सिस्टम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग अगेन 1847, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1917 एंड हार्कॉर्ट बटलर हो गया हमारा 1921। चलिए नेक्स्ट, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, ऐसी टॉपिक अगेन जो हर जगह हमारे लिए आती है। सो वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बामो बोधनी, महिला भारती एंड सुप्रभात। किसको स्टार्ट किया है विजेंद्रलाल टैगोर ने, किसको एडिट किया है उमेश चंद्र दत्त ने, किसको एडिट किया है गिरीश चंद्र सेन ने और किसको स्टार्ट किया है कुमुदी एंड बसंती मित्र ने। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, एक लिखा है स्टार्टेड, एक लिखा है एडिटेड, कभी कभी लिखा रहेगा पब्लिश्ड बाय, तो ये सब वर्ड्स का ध्यान रखिएगा कि क्या बोला गया है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, सो वी हैव बामो बोधनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उमेश चंद्र, जिन आप देखो मैंने आपको हमेशा बोला है न्यूज़पेपर जर्नल्स के नोट्स बनाने, ट्यूसडे को मैंने आपको बोला था 75 प्लस बुक्स हमने किया है, आपने उसका नोट्स बना लिया। अब अगर ये आपको नहीं आ रहा है उसी नोट्स में इसको ऐड करो, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके प्रीवियस ईयर्स का आप ट्रैक रखते जा रहे हो एंड इतना आपके पास लिस्ट हो जाएगा स्पेसिफिकली जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, जो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो जाएगा, जो भी आप करोगे मोर ऑर लेस क्वेश्चंस वहीं से घूम फिर के आएंगे। तो मेक नोट्स ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स, एक शीट हमेशा हैंडी रखो, अब इसको सीधे सीधे उस शीट में नोट डाउन कर लो, कल आपने कोई और सेशन किया, हमने फिर बुक्स जर्नल्स किया, फिर आपको उसको ऐड कर लो, तो एक दो शीट को स्टेपल करके सिर्फ और सिर्फ बुक्स जर्नल्स की कॉलम बना के रख दो, जब भी आप गो थ्रू करो कुछ भी बुक हो जस्ट उसमें आप नोट कर लो और उसको एक दिन दो दिन आप पढ़ लो, किसी दिन आप 5 लर्न कर लो, किसी दिन आपने 15 लर्न कर लिया, किसी दिन 10 लर्न कर लिया, तो वो पीछे से साइमल्टेनियसली आपका चलते रहेगा। ठीक है, चलो देन भारती अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द्विजेंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड बाय एंड सुप्रभात हो गया कुमुदी एंड बसंती मित्र। नंबर 21 अगेन सी ऑथर्स एंड वर्क, अब मान लो आपको इसमें से कुछ नहीं आता है तो अगेन वो नोट में जाके इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, हेनरी कॉटन, वैलेंटाइन चिरोल, विलियम वेडबर्न एंड एचएम हर्डमैन, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बैंकरप्सी ऑफ इंडिया, इंडिया ओल्ड एंड न्यू, न्यू इंडिया और इंडिया इन ट्रांजिशन। प्लस इसके साथ साथ मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर मान लो आप एक्चुअली नोट्स बना रहे हो ना, तो हमने ना यूट्यूब पे बहुत सारे हिस्टोरियोग्राफी की सेशन की है। ठीक है, ऐप पे तो मिलेगा नहीं, हिस्टोरियोग्राफी और प्रेस जर्नल्स की ना हमने यूट्यूब पे भी सेशन किया, आप इनको भी देख लो और इनको भी अपने नोट्स में ऐड कर लो, आपके पास ये सब ऐड करके 100 प्लस बुक्स की लिस्ट हो जाएगी, विच इज मोर देन इनफ फॉर एग्जामिनेशन एंड जैसे जैसे आगे आगे हम करते जाएंगे उसमें आप ऐड करते जाओ। ठीक है, चलिए, सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको इसमें प्रॉब्लम है प्लीज इसको नोट करते जाइएगा बुक लिस्ट को, आई एम कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू। हेनरी कॉटन अगेन इंडिया न्यू और इंडिया इन ट्रांजिशन, वैलेंटाइन चिरोल वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया ओल्ड न्यू, विलियम वेडबर्न पे दो बार थ्योरी क्वेश्चन भी आ चुका है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एच एम हाइडमैन हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली बैंकरप्सी ऑफ इंडिया। मूविंग टू नंबर 22, कांग्रेस प्रेसिडेंट्स एंड कौन सा साल है प्रेसिडेंटशिप का, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी, रहमतुल्ला सयानी, सैयद मोहम्मद बहादुर एंड अबुल कलाम आजाद। 1896, 1913, 1887 या 1923।
चलो सो कभी कावेरी, सौम्या, विधि, पद्मिनी, रूना, सुदीप्ता, प्रिंसी, अजय, इनाया, अर्पिता, वेरी गुड. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? कांग्रेस सेशंस एंड हमारे प्रेसिडेंट. करेक्ट आंसर हियर इज ए एब्सोल्युटली करेक्ट. सो तबजी प्रिसाइडेड द मद्रास सेशन. ये हमारे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे. इन्होंने प्रिसाइड किया था हमारा थर्ड सेशन. 12th सेशन हेल्ड इन कैलकटा, प्रिसाइडेड बाय सयानी, 1896. बहादुर प्रिसाइडेड द 29th सेशन, 1913, सैयद मोहम्मद बहादुर. एंड 1923 का जो दिल्ली सेशन था, जो कांग्रेस का 42nd सेशन था, इसकी प्रेसिडेंटशिप की थी अब्दुल कलाम आजाद ने. नंबर 23, दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी में कौन सी चीज है जो नहीं है? होम चार्जेस, अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट्स, इंटरेस्ट इन रेलवे कंपनीज एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो ड्रेन थ्योरी, यू नो, यू ऑल नो, यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, कि भाई एक साइडेड ट्रांसफर हो रहा है बट वापस कुछ नहीं आ रहा है. और हमारे ही पैसे से क्या हो रहा है? होम चार्जेस, दे आर ब्रिटिश रूल, सस्टेन हो रहा है. जो प्रशासन चल रही, जो कुछ भी आ रहा है, वो हमारे पैसे से सस्टेन हो रहा है ना. 5% गारंटीड रेलवे इंटरेस्ट, की भाई जो भी इन्वेस्ट करेंगे हम उनको गारंटीड पेमेंट्स देंगे. जो भी इनकी एक्सपोर्ट्स हो गए प्लस, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो सैलरीज हो गया, पेंशन हो गया, वो लोन्स के जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ हमारे पैसे से जा रहा है. वॉट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज, यू ऑल नो, जब हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थे, दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विद द चीप मशीन मेड क्लॉथ विच वर मेड बाय ब्रिटिशर्स, है ना. तो उनके चीप मशीन मेड क्लॉथ आ गए हमारे मार्केट में, जहां पे हमारे पास है छोटे स्मॉल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. तो एक तो कपड़े सस्ते हो गए, प्लस इट विल बी इन बल्क, इट विल बी मच चीपर. तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज जब हमारे कपड़े उनके साथ कम्पीट नहीं करते, एंड ऑटोमेटिकली हमारी सेकेंडरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो डिक्लाइन करने लगती है. ठीक है, इवेंचुअली आर्टिसंस की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है. ठीक है, सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में हुआ था कमर्शियली एंड इकोनॉमिकली. हु स्टार्टेड द किसान सभा मूवमेंट इन बिहार, जहां पे पेजेंट्स को मोबिलाइज किया गया था अगेंस्ट दी जमींदारी अटैक्स? महात्मा गांधी, वी आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण एंड स्वामी सजनन सरस्वती. Who started the Kisan Sabha movement in Bihar in order to mobilize peasant grievances against zamindari attack on their occupancy rights? So Mahatma Gandhi, Acharya Narendra Dev, Jayaprakash Narayan and Swami Sahajanand Saraswati. Absolutely correct answer here is D, Swami Sahajanand Saraswati. And this brings us to the last question of the session. किसने सीधे सीधे ये बोला था, जब तक बंगाल यूनाइट रहेगी तब तक पावर होगा, and as soon as Bengal will be divided it will pull in several different ways. एंड ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन फोकस कर रहा है, जो आप सबको बताए, ऑन द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसकी अनाउंसमेंट हुई थी 1905 में. अनऑफिशियली बाय 1903 टिल 1905 हमने मॉडरेट मेथड यूज किया था टू मेक श्योर कि ये पार्टीशन का ऑफिशियल डिसीजन ना आए, बट एक्चुअली हुआ ऐसा नहीं. दे रियलाइज कि बंगाल बन रहा है नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और अगर ये यूनिटी तोड़नी है, ये नर्व सेंटर तोड़ना है, तो बंगाल का विभाजन करना पड़ेगा. एंड दिस इज सेड बाय द सेक्रेटरी एच.एच. रिजले कि भाई जब तक बंगाल यूनाइटेड रहेगा तब तक लोग पावरफुल रहेंगे, तब तक यूनिटी रहेगा. बंगाल को डिवाइड कर दोगे तो इट विल स्टार्ट पुलिंग इन सेवरल डिफरेंट वेज, और ये यूनिटी जो है ये सीधे सीधे ब्रेक कर जाएगा. इवेंचुअली कांग्रेस की जो पावर है, जो नर्व सेंटर है, वो खत्म हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज वॉट वी रिवाइज्ड. अब ये रिविजन तो चलता रहेगा बीच बीच में. सेप्टेम्बर में जो भी सेशंस है उनको प्लीज देख लीजिएगा एंड प्लीज बी अप टू डेट विद द सेशंस. एंड यहाँ पे हमारा आ गया होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है नीचे. सो विच त्रिपिटक हैज रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स? सो संघ के भिक्षु और नन्हों के लिए किस त्रिपिटक में नियम है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक एंड मार्कंडेय पिटक. तो इसका आंसर तो आपको पता होगा, बट जब आप आंसर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, ऑल्सो टेल मी समथिंग यूनिक अबाउट दिस तक, जिसके बारे में बात करें, क्या यूनिक चीजें और क्या दिया हुआ है उसमें. ठीक है, सो प्लीज आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन. कल क्लास शुरू करने के पहले वी विल सी कितने लोगों ने सही जवाब दिया है. टिल देन प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग. ठीक है, एंड फॉर फ्री इंटरक्टिव वर्कशॉप ट्यूजडेज एंड सैटरडेज को 6 बजे, प्लीज स्कैन दिस QR कोड टू रजिस्टर. और वर्कशॉप्स को रेगुलरली अटेंड करते रहिए, सो दैट जो भी छोटे छोटे क्वेरीज हैं, जो स्ट्रेटेजिकल एरर्स हैं, वो इसके थ्रू आपके बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए. ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.
क्योंकि इसी इसके थ्रू आपको पेपर वन और पेपर टू के सारे अपडेट्स मिलेंगे। कल का सेशन होगा मोटिवेशनल सेशन, क्योंकि भाई सितंबर का महीना शुरू हो रहा है एंड महीने के स्टार्टिंग में हम करेंगे एक मोटिवेशनल बैंक जिसके थ्रू वी विल स्टार्ट अ 3 months काउंटडाउन फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, सो टिल देन प्लीज टेक केयर एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग प्रीवियस ईयर्स एंड सेप्टेम्बर से प्लीज बी अप टू डेट विद आर 11 बजे के ऐप सेशन एंड 3 बजे के यूट्यूब सेशन, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है पूरे महीने एंड वेन यू फिनिश इट। प्लस इसी महीने हम मूवीज पे भी क्लास करेंगे। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू कम इन दिस मंथ। और इस मंथ के एंड तक आपने आर्किटेक्चर भी कर लिया होगा, आपने पेंटिंग्स भी कर लिए होंगे, आपने इंस्क्रिप्शन भी कर लिया होगा, आपने सोर्सेज भी कर लिया होगा, आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कर लिया होगा, मॉडर्न का रिविजन चल ही रहा है, आपने बुद्धिज्म जैनिज्म प्रीहिस्ट्री ये सारी चीजें आपने रिवाइज करनी होगी। तो इफ यू बी अप टू डेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, यू विल बी मास्टरिंग ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो कल मिलेंगे 3 बजे। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन एंड फ्री पीडीएफ एंड क्विजेस के लिए इस क्यूआर कोड को जरूर स्कैन कर ले और कल 3 बजे सेशन में आ जाइएगा जहां पे वी आर गोइंग टू डू अ मोटिवेशनल सेशन, क्योंकि बहुत जरूरी, क्योंकि समहाउ सब लोग थोड़ा ऑफ ट्रैक हो चुके हैं। ठीक है, तो विद द बैंग वी विल स्टार्ट अ 3 months काउंटडाउन फ्रॉम टुमारो।